तो यहाँ दो रेनबो उतारना है, उसके बाद यहाँ इस तरह से ऊपर एक नीचे एक डिप करके दो रेनबो उतार के फिर से आपको यहाँ सूता को लगाना है इस तरह से। और फिर यहाँ देखिए चार चार एक इस तरह से दो रेनबो उतार के लगाना है। सो अभी स्टेप वन में आपको यहाँ दो रेनबो उतार के इस साइड वाला दोनों सूता को इस तरह से क्रॉस करना है, एंड देन ये इस साइड वाला को भी इस तरह से क्रॉस करना है। सेम प्रोसेस, दो रेनबो उतार के इस तरह से क्रॉस करना है, और यहाँ भी सेम प्रोसेस, दो रेनबो उतार के क्रॉस करना है। स्टेप वन में ऐसे ही करना है आपको, इस तरह से सूता को डिवाइड करके दो रेनबो उतार के इस तरह से क्रॉस करना है, एंड देन इसको भी सेम प्रोसेस आपको इस तरह से क्रॉस करना है। सो अभी होगा स्टेप टू। स्टेप टू में आपको दो रेनबो उतार के इस तरह इस साइड लाना है, फिर दो रेनबो उतार के उस साइड, दोनों सूता एक ही लाइन से जाएगा इस तरह से। यहाँ एक और सूता लगाना है, और ये देखिए दो रेनबो उतार के एक जगह से दो रेनबो उतार के उस साइड, और ये दो रेनबो उतार के इस साइड, और ये मिडिल में आपको फिर से एक सूता लगाना है। जब आपका स्टेप टू होगा तब आपको और एक सूता डालना होगा मिडिल में इस तरह से, ये भी उस साइड, और ये भी दो रेनबो उतार के इस साइड, मिडिल में दो गैपिंग होना है और यहाँ सूता लगाना है। सो अभी होगा स्टेप थ्री। स्टेप थ्री में आपको यहाँ देखिए दो रेनबो उतार के क्रॉस करना है, एंड देन उस साइड वाला को भी दो रेनबो उतार के क्रॉस करना है, सेम प्रोसेस। और अभी जो सूता लगाया था उसको दो रेनबो उतार के इस साइड, दो रेनबो उतार के उस साइड इस तरह से, और यहाँ ये भी सेम प्रोसेस, कॉर्नर वाला दोनों रेनबो उतार के क्रॉस करेगा, और ये भी इस साइड वाला भी दो रेनबो उतार के क्रॉस करना है। एंड जो अभी का लगाया वाला को आपको एक को इस साइड एक को उस साइड इस तरह से आपको सेम प्रोसेस करना है। यहाँ देखिए फिर से करके दिखा देंगे, यहाँ कोना का दो रेनबो उतार के क्रॉस करेगा, और इस साइड वाला कॉर्नर भी दो रेनबो उतार के क्रॉस करेगा, और ये मिडिल वाला दोनों दो रेनबो उतार के उस साइड, दो रेनबो उतार के इस साइड। सो यहाँ हमें एक और कलर लगाना है, देखिए इस तरह से रेड में वाइट और ग्रीन में ऑरेंज, एक चेक मिडिल में आपको इस तरह से सूता को क्रॉस करके लगाना है। यहाँ देखिए एक चेक मिडिल में आपको कलर और लगाना है। सो यहाँ में भी सेम, वाइट में रेड लगाना है और ऑरेंज में ग्रीन, इस तरह से कलर को चेंज करके आपको लगाना है। सो अभी होगा इस तरह से, यहाँ देखिए ऐसे करके आपको कलर को चेंज करके लगाना है। देखिए स्टेप फोर। स्टेप फोर में आपको यहाँ देखिए अभी का लगाया वाला को आपको मिडिल का दो रेनबो उतार के क्रॉस करना है, एंड देन उसका सामने वाला का भी दो रेनबो उतार के क्रॉस करना है, और इस साइड का भी दो रेनबो उतार के क्रॉस करना है, और ये कॉर्नर कॉर्नर का जितना अंदर का बचा है उतार के इस तरह से क्रॉस करना है। ऑरेंज क्रॉस दो रेनबो उतार के, और यहाँ भी सेम प्रोसेस आपको करना है। यहाँ देखिए मिडिल का क्रॉस करना है, एंड देन आपको ये भी क्रॉस करना है सेम प्रोसेस, और करना साइड का मिडिल का जितना है उतार के इस तरह से क्रॉस करना है। सो अभी स्टेप फाइव में आपको जो मिडिल वाला को नीचे नमाना है, एंड देन उसका जगह में ये वाइट वाला आना है, देखिए इस तरह से, एंड देन ये दो रेनबो उतार के क्रॉस करेगा, और उस साइड वाला भी दो रेनबो उतार के इस तरह से क्रॉस करना है, एंड देन ये मिडिल का फिर से नीचे नमेगा, इस तरह से नीचे नमना है,
इसको नीचे दबाने के बाद फिर उसका जगह आएगा, सेम प्रोसेस। और ये दो रिंगू मुद्दा के आपको क्रॉस करना है, और इस साइड वाला भी दो रिंगू मुद्दा के क्रॉस करना है इस तरह से। सो अभी सिक्स स्टेप सिक्स में आपको अभी मिडिल का दो ये नीचे नमेगा ये भी फिर से, एंड देन ये वाला सामने आएगा दो रिंगू, और ये भी दो रिंगू सामने आएगा, और फिर से ये मिडिल का नीचे इस तरह से नीचे नमाना है, एंड देन उसका सामने में दो रिंगू वापस आएगा, और ये भी दो रिंगू वापस आएगा। स्टेप सेवन में आपको यहाँ देखिए इस तरह से दो रिंगू मुता के क्रॉस करना है, और यहाँ भी दो रिंगू मुता के आपको क्रॉस करना है इस तरह से। देखिए यहाँ दो रिंगू उतार के आपको इस तरह से क्रॉस करना है, इसको भी दो रिंगू मुता के आपको क्रॉस करना है, इसी तरह सबको करना है, दो दो रिंगू मुता के आपको सूता को क्रॉस करना है इस तरह से। सो अभी होगा स्टेप लास्ट स्टेप भाई, इसको आपको मिडिल से नीचे नमाना है। लगाते समय में भी ऐसे दो रिंगू में लगाया था, तो आपको इस तरह से नीचे नमाना है। दोनों का गैपिंग मिडिल में सिर्फ दो रिंगू होना है, सो आपको इस तरह से सभी को नीचे नमा लेना है इस तरह से। तो यहाँ देखिए हमारा पूल कंप्लीट हो गया है, सिर्फ 8 टाइम आपको बनाना है ये पूल को। इसको आप गले में भी लगा सकते हैं और गलों में भी लगा सकते हैं।